अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक पहाड़ के पास एक खूबसूरत सा शहर आबाद था। इस शहर के लोग इंतहाई सादा और अमन पसंद थे, मगर इस शहर के पास मौजूद पहाड़ पर छोटे छोटे सांपों का बसेरा था, जो अपने शैतानी चालों और जहर से वहाँ रहने वाले जानवरों और इंसानों को परेशान किया करते थे। इन सांपों के हमले बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन उनको रोकने वाला कोई भी ना था। मगर इन दिनों मारखोर का इस पहाड़ की तरफ से गुजर हुआ। मारखोर पहाड़ों में रहना पसंद करता है और सांपों का शिकार करके खा लेता है। इसने जब ये सूरत हाल देखी तो उसने उस दुश्मन जहरीले सांपों को, जिन्होंने लोगों में दहशत फैला रखा था और वो हर रोज़ नए नए तरीके से लोगों को परेशान किया करते थे, इन्हें मारकर इनका शिकार करना शुरू कर दिया। लोगों ने जब ये देखा तो वो इंतहाई खुश हो गए और वो मारखोर को अपना निजात दरिंदा तसव्वुर करने लगे। मारखोर देखते ही देखते पहाड़ों के सारे जानवरों और इंसानों में मकबूल हो गया। सब लोग इस पर एतमाद करने लगे, जबकि दूसरी तरफ सांपों में खलबली मचना शुरू हो गई। उन्होंने कई बार मारखोर को डसने की कोशिश की, मगर जो सांप इसके करीब जाता मारखोर उसे कुचल देता। जो एक सांप भी मारखोर के हाथों मारा जाता, उसके खानदान उस सांप का मरना अपने लिए इज्जत समझते थे और वो इन सांपों की मरने की खबर सुन के रोते और लोगों के अंदर अपनी हमदर्दी जगाने के लिए ये अफसोस फैलाते कि हम सांप कमज़ोर हैं और मारखोर ताकतवर है, इसलिए मारखोर हम पर जुल्म कर रहा है। लेकिन दर हकीकत मारखोर इनके नापाक अजायम को पूरा करने में रुकावट था। जब सांपों ने देखा कि मारखोर से आमने सामने मुकाबला नहीं हो सकता, इस सब का कोई फ़ायदा नहीं, तो वो दिन रात एक करके इसको नुकसान पहुंचाने का मंसूबा सोचने लगे। लिहाजा उन्होंने एक रिस्की मंसूबा तैयार किया। हर रोज़ एक सांप की कुर्बानी दी जाए जो मारखोर पर हमला करने के लिए जाए। जब मारखोर का ध्यान इस एक सांप पर होगा, तब हम सब सांप एक ग्रुप में जाकर शहरी आबादी पर हमला कर देंगे। ये मंसूबा वक्ती तौर पर कामयाब तो हो गया और मारखोर की मौजूदगी के बावजूद मासूम लोगों ने सांप के काटने की वजह से मरना शुरू कर दिया। इन सांपों ने लोगों को बहकाना भी शुरू कर दिया कि मारखोर को बुरा भला कहें, क्योंकि वो इनकी मदद को नहीं आ रहा और ना ही अब वो किसी काम का रहा है, क्योंकि जब वो तुम्हारी हिफाजत ही नहीं कर सकता तो इसे मार देना चाहिए। तमाम जानवर और लोग बहुत फिक्रमंद थे कि ना जाने मारखोर को क्या हो गया है, अब वो इन सांपों को क्यों नहीं देख रहा और ना ही इन पर हमला कर रहा है। इस बार लोमड़ी ने भी माले गनीमत जाना, जो हर वक्त मारखोर के शिकार करके इसको खाने की कोशिश करते रहते हैं, मगर हर बार नाकाम रहते हैं। उन्होंने शहर में दाखिल होने के बाद मारखोर के खिलाफ मुहिम चला दी कि लोगों के जहन में ये सवाल जन्म लेना शुरू कर दिए कि आखिर मारखोर किस काम का है। लेकिन बेचारे मारखोर ने टूटे दिल के साथ अपना काम जारी रखा, ये सोचकर कि लोग इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब वो इसके दुश्मन बनते जा रहे हैं, इसके दुश्मन इसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और जो कुछ लोगों को बता रहे हैं, लोग भी बिना सोचे समझे इस पर यकीन करते जा रहे हैं। कुछ वक्त बाद मारखोर को एहसास हुआ कि अब यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक रोज़ पहाड़ी रास्ते पर कुछ बैठे सांपों को देखा, इसकी भूख तो पहले ही मर चुकी थी, लिहाजा उसने सांपों पर हमला नहीं किया। सांप बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि मारखोर इन पर हमला क्यों नहीं कर रहा, और फिर इन सांपों को फिक्र भी होने लगी कि अगर मारखोर का ध्यान ना हटाया गया तो इनका मंसूबा खतरे में पड़ सकता है। लिहाजा उन्होंने मारखोर के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया और ख़ुशी से नाचने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि लोग मारखोर से अब नफरत करते हैं। इसी दौरान सांप का एक और ग्रुप वहां से गुजरा जो लोगों पर हमला करने जा रहा था। मारखोर ने जब ये देखा तो उसको पूरा माजरा समझ आ गया और खड़े होकर मारखोर सारे सांपों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया। जो सांप शहर पर हमला करने जा रहे थे उनका भी पीछा करके उन सारे सांपों को मार दिया और एक बार फिर बर्फाली लोमड़ी का मारखोर को मारने का मंसूबा चकनाचूर हो गया। मारखोर के हाथों मरने वाले इन दुश्मन सांपों के वारिस आज भी इनकी याद में चश्मे रोशन करके मारखोर का सांपों में जुल्म
और बर्बादी का कसूरवार देते हैं। तब ही कुछ लोग इनकी बात को यकीन मानकर इनका साथ देते हैं, लेकिन बहुत से लोग इनकी हकीकत जानकर इनको जलील करके निकालना शुरू कर दिया। जहां वो मौजूद थे, जब ये लोग हार मानकर घर बार छोड़कर जाने लगे तो ये कहने लगे कि अगर इनको कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मारखोर होगा। दोस्तों, अगर इस कहानी में मारखोर को दुनिया की सबसे ताकतवर और खुफिया एजेंसी ISI और सांपों का वो गिरोह दुश्मन जो दहशतगर्द तस्वुर कर लिया जाए, तो जो दिन रात ये मंसूबा बना रहे होते हैं कि मासूम और बेगुनाह लोगों का सुकून किस तरीके से तबाह किया जाए और इन्हें किस तरह कत्ल किया जाए, तो इनको ये कहानी खुद ब खुद समझ आ जाती है। दोस्तों, मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है और ISI का ऑफिशियली सैम्बल है। इस सैम्बल के दो वजूहत हो सकते हैं, एक तो कौमी जानवर होने के बिना पर, और दूसरा इनका मकसद जहरीले सांपों यानी दहशतगर्द के अमल को पकड़ के ख़त्म करना है, जो खुद को पाकिस्तान जाहिर करके अपने बिलों में छुपे बैठे हैं। यहाँ ये अपने जहरीले गैर मुल्की सांपों कोबरा से हमेशा रابطे में रहते हैं, जिनके ये हुक्म मानते हैं। मगर जब भी वो मारखोर को देखते हैं तो खौफ के मारे इनके दिल की धड़कन बंद होने लगती है, और इस वक्त इनके मुंह पर सिर्फ एक ही अल्फाज निकलते हैं, अगर हमें कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मारखोर होगा। इनके मौके परस्त लोमड़ियाँ वो मौके परस्त चालाक मुल्क दुश्मन हैं, जो लोगों को इनके खिलाफ भड़काने और बदगुमानी पैदा करने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग अपनी कौम के हीरोज के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दें, क्योंकि ये खुद फेस टू फेस मुकाबला करने की जरूरत नहीं रखते। यही वजह है कि पाक आर्मी और ISI के खिलाफ हर मास पर मुल्क दुश्मन अनासिर कोई प्रोपेगेंडा हाथ से जाने नहीं देते, ताकि लोगों को गुमराह करके अपने मकासिद असूल के लिए इस्तेमाल कर सकें। हमारे सियासतदान मुल्क के लिए किस तरह मुखलिस हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो अपने मुल्क का पैसा लूट कर गैर मुल्क में अपनी जायदाद बना रहे हैं और महल तामीर कर रहे हैं, और अवाम दिन ब दिन महंगाई, बेरोज़गारी और अमन व अमान की बदगुमानी बदनज़मी का शिकार होती जा रही है। अल्लाह ताला के फजल के बाद ये पाक फ़ौज और ISI की कुर्बानी का नतीजा है जो ये मुल्क पाकिस्तान आज भी सही सलामत है, वरना हमारे सियासतदान कब के हमारे मुल्क को पाकिस्तान को कोड़ी के भाव बेच चुके होते हैं। लिहाजा आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप किसी लोमड़ी या सांप का शिकार होने के बजाय अपने असल हीरोज़ की कुर्बानी की कदर करें और हर मौके पर इनका साथ देकर दुश्मन के चाल नाकाम करें। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हुई होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अपनी कीमती राय का इजहार मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।